हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने मास्को डक के चिक्स हैं। इससे पहले ये मास्को डक के चिक हमने पूरा दिखाया है दोस्तों, ट्यूटोरियल आपको, कि ये कैसे हमारे इंक्यूबेटर से निकला है और कैसे हमने इसको 20 से 25 दिन कैसे हमने इसको ब्रूडिंग किया है। क्योंकि मास्को डक के चूजे थोड़े से लेट बढ़ते हैं, जस्ट देसी मुर्गी टाइप के होते हैं दोस्तों ये भी, क्योंकि मास्को डक जो है ये सूखे बदक के कैटेगरी में आती है, सूखा बदक ही है समझिए, क्योंकि इनको पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये कहना चाहिए कि खाकी कैम्बल के टक्कर में, जैसे खाकी कैम्बल को हमेशा और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना, वैसे मास्को डक को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। आज ही हमने उसको वहाँ से रिलीव किया है, जिसमें से कुछ हफ्ते 10 दिन के बच्चे भी हैं हमारे पास। ये एकदम छोटे बच्चे जो देख रहे हैं ये 10 दिन के हैं, लेकिन बड़ों के साथ में रह करके इनका भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, आना जाना, उठना बैठना, हम थोड़ा देख रहे हैं इनको। अगर ये उनके मुकाबले में ज़्यादा भीग जाएंगे या ज़्यादा कुछ हो जाएंगे तो फिर इनको सूखने में भी तकलीफ़ आएगा, क्योंकि ठंडी का दिन है बोल करके, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा अभी देख रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे जो हैं, इसमें हमारा फ़िश फार्म का पानी जा रहा है। ये देखिए फ़िश फार्म का जो है ये वहाँ से पानी निकल रहा है, हमने वहाँ का पानी, क्योंकि रोज़ थोड़ा पानी खाली करना होता है 1-1.5 घंटा, तो उसके जगह में नया पानी भरना होता है, तो हम उसको यहाँ से ऐसे करके नाली सिस्टम बना दिए हैं जिससे कि इनको हो जाएगा पानी की जो व्यवस्था है इसमें हो जाएगा। आज पहला दिन है इनका, ये बड़े खुश हैं कि हमको वहाँ से रिलीफ़ कर दिए हैं बोल करके। ये लोग केज में थे और अभी बढ़िया से साफ ऑफ करके अच्छे से बहुत बढ़िया इनको ऐसा सिस्टम दिया गया है। आप अगर डक रखें तो इस टाइप का सिस्टम बनाना बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ फ़िश फार्म हो और ऐसा पानी निकले, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए इस टाइप का एक कमरा है आपके पास या बनाते हैं आप कमरा, तो थोड़ा स्लेप आकार पे एक जगह पे गड्ढा कर दीजिए, जहाँ पर आकर के ये लोग अपना नहाएं, हाथ पैर धोएं और सब तैयारी करें, और बढ़िया पानी उनी हमेशा उस जगह पे रहे, तो उसमें आसानी होगा आपको डक पालने में। बाकी इधर का दिखा देते हैं आपको, पूरा साफ़ सफाई है। ये देखिए वहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है दाना के लिए, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे टोटल 30 बच्चे हैं दोस्तों, है ना। तो अब जैसे कि ये जो जाली के पास में आप जो प्लास्टिक का जाली लगा देख रहे हैं, ये हम कहीं से लाए थे बटेर के अंडे वगैरह करेंगे बोल करके, लेकिन बटेर का अंडा तो नहीं किए, बटेर के अंडे का ट्रे बनाएंगे बोल करके इसको लाए थे हम, लेकिन उसको तो नहीं किए, उसके लिए हमारे पास और है। फिलहाल वो जाली सड़ गया था पानी की वजह से, तो उसके जगह में हम इसको लगाए हैं। अगर प्लास्टिक फाइबर जाली लगाते हैं तो कभी नहीं फटेगा या कभी ख़राब भी नहीं होगा, और वैसे भी हमने इसको पुराने जाली का इस्तेमाल किया था। देख रहे हैं आप कितना टेम्प्ररी सेट बना है इनका, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अभी वहाँ पे हमको 15 से 25 दिन रखना होता है, और उसके बाद यहाँ लाने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे 15 से 25 दिन रखते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे ऐसे छूट जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बदक के बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ भी हमारे पास ये बदक 50-60 बच्चे हैं खाकी कैम्बल, जो कि हमने इनको फ्री रेंज में कर दिया है। ये बहुत अच्छे नहा रहे हैं, धोवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बदक के बच्चे कितने अच्छे से खा रहे हैं, ये लोग दिन भर यही करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फुर्ती के साथ में, ये घर के बच्चे हैं, ये जितने ब्लैक और वाइट आप देख रहे हैं ये लोग घर ही में हुए थे हमारे, पिछले 6 महीने में ये साइज़ है, और अभी सब अंडे दे रहे हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। और ये देखिए ये ऐसे खा पी करके, अब ये पहले यहाँ पे थे, ये वाले कमरे में थे, अब वो वाले कमरे से इनको फ्री कर दिया गया है, ये अब घूम करके खाते हैं, तो इनका दाना खर्चा कम हो जाता है। दाना खर्चा कैसे कम करें इसके ऊपर भी हमारी और वीडियोज़ हैं, तो और उसके ऊपर काम चल रहा है अभी, उसके ऊपर भी बताएँगे आपको, ठीक है। तो ये तो है समझिए, इस वजह से भी ये लोग तालाब में नहीं उतरते हैं, और बदक पालन करने का ये सही तरीका है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा करने से आपके बदक जो हैं
नुकसान भी नहीं होते हैं और बहुत बढ़िया रहते भी हैं अच्छे से। पानी की भी पूर्ति हो जाती है, कभी पानी की कमी नहीं पड़ती है इनको, है ना। तो ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। आज हमने जाना मास्कोवी डक को कैसे पाले कैसे रखें बोल करके, छोटे बच्चे को हमने इधर लाया, इसका अपडेट दिया आपको, और उसी के साथ में ये खाकी कैम्बल बतख जो आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे पास है, मास्कोवी बतख भी हमारे पास है। किसी को अगर लगे तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बच्चे 0 दिन के में मॉर्टलिटी ज़्यादा होता है तो हम चाहते हैं कि मॉर्टलिटी आप क्यों सहेंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए वो आराम से बड़े बच्चे भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 बहुत आसानी से आपको यहाँ से डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब इनमें कोई मॉर्टलिटी दर भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।